हाय फ्रेंड्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आई एम बलराम गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड नव भारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जयपुर। तो दोस्तों, आज मैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान भाग 9 को लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि हम पिछली क्लास में राजस्थान की स्थापत्य कला के अंतर्गत राजस्थान के दुर्गों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसमें एक शब्द था साका, उस पर चर्चा कर रही थी। तो साका के बारे में हम विस्तृत रूप से जान लें कि साका क्या होता है, यानी कि जब साका को हम परिभाषित करते हैं तो सबसे पहले साका को परिभाषित करने से पहले हमको दो शब्द जौहर और केसरिया को भी परिभाषित करना पड़ेगा। जौहर और केसरिया, क्योंकि जैसा कि हमने बताया था कि जौहर और केसरिया जब दोनों एक साथ किए जाते हैं तो वो साका कहलाता है। तो सबसे पहले हम जौहर के बारे में जानें कि जौहर क्या होता है। जब दुर्ग के अंतर्गत महिलाओं के द्वारा, जब दुर्ग के अंतर्गत महिलाओं के द्वारा कोई अशुभ समाचार को कर लेंगे महिलाओं को, जब दुर्ग के अंतर्गत महिलाओं को कोई अशुभ समाचार युद्ध भूमि से मिलता है, अर्थात कोई भयंकर अर्थात कोई भयंकर समस्या आती है तो दुर्ग की महिलाएं अग्नि या जल में अपने आप को समर्पित कर वीर गति को प्राप्त वीरगति को प्राप्त होती हैं तो वह जौहर कहलाता है। एक बार स्पष्ट करेंगे कि यानी जौहर वो है, जौहर को जब हम परिभाषित करते हैं तो जब दुर्ग के अंतर्गत महिलाओं को कोई अशुभ समाचार युद्ध भूमि से मिलता है, अर्थात कोई भयंकर समस्या आती है तो दुर्ग की महिलाएं अग्नि या जल में अपने आप को समर्पित कर वीर गति को प्राप्त होती हैं तो वह जौहर कहलाता है। नेक्स्ट है केसरिया, यानी कि महिलाओं के द्वारा जो वीर गति को प्राप्त हो जाना जौहर कहलाता है, उसी प्रकार यदि पुरुषों के द्वारा वीर गति को प्राप्त हो जाना क्या कहलाता है,
केसरिया कहलाता है। तो केसरिया को परिभाषित करेंगे केसरिया, जब पुरुषों के द्वारा केसरिया वस्त्र और केसरिया पगड़ी पहनकर जब पुरुषों के द्वारा केसरिया वस्त्र और केसरिया पगड़ी पहनकर युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त करते हैं, अर्थात पुरुष युद्ध में शत्रु की सेना पर प्रहार करते हुए वीरगति को प्राप्त करते हैं, तो केसरिया कहलाता है। कहने का मतलब, जब पुरुषों के द्वारा केसरिया वस्त्र और केसरिया पगड़ी पहनकर युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त करते हैं, अर्थात पुरुष युद्ध में शत्रु की सेना पर प्रहार करते हुए वीर गति को प्राप्त करते हैं, तो केसरिया कहलाता है। कहने का मतलब, महिलाओं के द्वारा वीर गति को प्राप्त करना जौहर कहलाता है और पुरुषों के द्वारा वीर गति को प्राप्त करना केसरिया कहलाता है। अब बात आती है साका, तो साका क्या कहला, यानी साका को जब हम परिभाषित करेंगे तो साका की परिभाषा क्या होगी ये जान लेंगे हम। साका जब दुर्ग के अंतर्गत महिलाओं के द्वारा जौहर किया जाता है। अब ये दोस्तों आप जान ही चुके हो कि जौहर क्या होता है। इसमें कहा जा रहा है, जब दुर्ग के अंतर्गत महिलाओं के द्वारा जौहर किया जाता है। अब जौहर की परिभाषा हम पहले बता चुके हैं, तो जौहर किया जाता है और पुरुषों के द्वारा युद्ध क्षेत्र में केसरिया किया जाता है, अर्थात जौहर और केसरिया
एक साथ होती हैं तो वह शाखा कहलाता है। यानी कि जब युद्ध के अंतर्गत महिलाओं के द्वारा जौहर किया जाता है और पुरुषों के द्वारा युद्ध क्षेत्र में केसरिया किया जाता है, अर्थात जौहर और केसरिया एक साथ होते हैं तो वह शाखा कहलाता है। अब दोस्तों ये आपको स्पष्ट हो चुका कि जौहर किसे कहते हैं, केसरिया किसे कहते हैं और शाखा किसे कहते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि शाखा बराबर जौहर प्लस केसरिया। कहने का मतलब केसरिया और जौहर को जोड़ दे तो शाखा आ जाता है, यानी शाखा को परिभाषित कर देता है। अब दोस्तों शुक्र नीति के अनुसार हमने 9 प्रकार के दुर्ग पढ़े। अब बात आती है कि जो शाखा है, जो जैसे कि चित्तौड़गढ़ के शाखा, चित्तौड़गढ़ में इनको भी जान ले आप, चित्तौड़गढ़ यानी कि राजस्थान के अंतर्गत कितने शाखा और कौन से दुर्ग में हुए यह भी जानना आवश्यक है कि चित्तौड़गढ़ में टोटल 3 शाखा हुए, जैसलमेर में 2.5 शाखा हुआ और छिवाड़ा में 2 शाखा हुए, गागरोन में 2 शाखा हुए, रणथंबोर में 1 शाखा हुआ और जालौर दुर्ग में 1 शाखा हुआ। इन सभी शाखा को विस्तृत रूप से भी हम जानेंगे। यानी कि सबसे पहले हम चित्तौड़गढ़ की बात कर लेते हैं, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सबसे पहले बात आती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या हैं। उपनाम यानी और किन नामों से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जाना जाता है, तो वो है दक्षिणी, पूर्वी प्रवेश द्वार। कहने का मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा है मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट है दुर्गों का सिरमौर। दोस्तों दुर्गों का जो सिरमौर के नाम से जाना जाता है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही माना जाता है। दुर्गों का सिरमौर से तात्पर्य है कि सभी दुर्गों में बड़ा, अच्छा, महत्वाकांक्षी वाला जो दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और इसके अलावा इसी को जाना जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, राजस्थान के गौरव के नाम से, राजस्थान का गौरव भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को माना जाता है। यानी कि दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को माना जाता है, मालवा का प्रवेश द्वार के नाम से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को माना जाता है, दुर्गों का सिरमौर भी इसको कहा जाता है, राजस्थान का गौरव भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको एक और नाम दिया गया है,
चित्रकूट दुर्ग, क्योंकि उस जिस पर्वत पर ये दुर्ग बना हुआ है उस पर्वत का नाम चित्रकूट पर्वत है, इस कारण इसको चित्रकूट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब ये पांच नाम इंपॉर्टेंट हैं, कंपटीशन में आते रहते हैं कि दुर्गों का सिरमौर के नाम से जाना जाता है तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है तो आंसर आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग होगा। इसके अलावा इसमें यदि साकों की संख्या पूछी जाए तो साके इसमें टोटल तीन हुए थे। अब बात आती है इसके स्थिति की, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थिति क्या है, उसकी आकृति क्या है, उसके निर्माण यानी कैसे हुआ, उसकी विशेषता क्या है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आकृति के बारे में। तो आकृति के बारे में जब हम बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ की जो आकृति है वह है व्हेल मछली, व्हेल मछली। ये 2015 जो पटवारी भर्ती हुई थी उसमें ये प्रश्न आया था कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग की जो आकृति है वो कैसी है, तो उसका आंसर है व्हेल मछली के जैसी। इसके अलावा आती है इसकी स्थिति, स्थिति। तो स्थिति की जब हम बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ की जो स्थिति है वो 620 मीटर ऊंचे मेसा के पठार पर स्थित है, यानी कि 620 मीटर ऊंचे, 620 मीटर ऊंचे मेसा के पठार पर स्थित है, यानी कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कहां बना हुआ है, 620 मीटर ऊंचे मेसा के पठार पर है। अब आपको पता होगा कि ये पर्वत ये कैसा दुर्ग है, गिरी दुर्ग है चित्तौड़गढ़, और गिरी दुर्ग हमेशा कहां बने होते हैं, पहाड़ों में बने होते हैं, पर्वतों में बने होते हैं, लेकिन पहाड़ और पर्वतों में जो ऊपर जाकर समतल स्थान होता है वो क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। तो उस समतल स्थान पर ही ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये पर्वत पर बना हुआ है, इसलिए इसको गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो स्थिति है वो कैसी है, 620 मीटर ऊंचे मेसा के पठार पर है, कहने का मतलब जो उस पठार की ऊंचाई है वो 620 मीटर है। अब बात करते हैं इसकी निर्माण की। तो निर्माण के बारे में दोस्तों हम जब बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण वीर विनोद एक पुस्तक का नाम है जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, ये श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद। इसके अनुसार जब हम बात करते हैं तो इसका जो निर्माण करता थे यानी इस दुर्ग के निर्माण करता, इस दुर्ग के निर्माण करता चित्रांगद माने जाते हैं, माने जाते हैं। कहने का मतलब वीर विनोद के अनुसार जो वीर विनोद पुस्तक है जिसके लेखक कौन है, श्यामल दास, उसके अनुसार जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था वो किन के द्वारा करवाया गया था, चित्रांगद के द्वारा। दूसरा है
कुमार पाल, कुमार पाल प्रबंध के अनुसार, कुमार पाल प्रबंध के अनुसार जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया था, यानी कि इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग ने इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग ने करवाया था। अब दोस्तों इस कंफ्यूजन को आज आप दूर कर लेंगे। एक है चित्रांगन और एक है चित्रांग। आपने देखा होगा अधिकांश पुस्तकों में ये विविधता मिलती है, भिन्नता मिलती है। कैसे है कि कोई पुस्तक में तो आता है कि चित्तौड़गढ़ का निर्माण चित्रांगन ने करवाया है, किसी पुस्तक में आता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग ने करवाया है। लेकिन आज इसको आप स्पष्ट कर लें स्थिति को, क्योंकि वीर विनोद के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगन ने करवाया था और कुमार पाल प्रबंध के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग ने करवाया था। इसके अलावा इसका जो अधिकांश भाग का निर्माण महाराणा कुंभा ने भी कराया था, और अधिकांश भाग का निर्माण कुंभा ने कराने के कारण आधुनिक निर्माता जो माने जाते हैं वो महाराणा कुंभा ही माने जाते हैं। यानी कि अधिकांश भाग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा कराने के कारण आधुनिक चित्तौड़गढ़ के निर्माता कुंभा माने जाती हैं। कहने का मतलब कि अधिकांश भाग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा कराने के कारण आधुनिक चित्तौड़ के निर्माता कुंभा माने जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।